जी आज हम लोग सिख समाज और क्रिश्चियन चर्च की तरफ से एंग्लिकन चर्च की तरफ से हम लोग एक बड़ी संगीन समस्या जो इस पंजाब में आ रही है कि धर्म ग्रंथ जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं उनकी बेअदबी लोग कर रहे हैं कहीं पर, और अगर वो क्रिश्चियनिटी के नाम से हो रही है तो हम उसको कंडेम कर रहे हैं यहाँ, और उसके लिए हम लोग कई कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं कि इस चीज को कंडेम करने के लिए, और जो मशरूम्स की तरह जो फेक प्रीस्ट्स और सो कॉल्ड चर्चेस या सोसाइटीज या एनजीओस चल रहे हैं जो कन्वर्जन कर रहे हैं या बेहद भी किसी भी धर्म की कर रहे हैं, चाहे वो सिख समाज हो या हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो, तो उसको हमें रोकना है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये एक ज्ञापन देंगे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके कि इस एक ऑफेंस को जो क्राइम है वो रोके, और ये बहुत संगीन क्राइम है जो कि चर्चेस के नाम पे हो रहा है जगह जगह, जो इलीगल चर्चेस हैं वो बंद किए जाएं, और एक जो लीगल चर्चेस हैं जिसमें एंग्लिकन चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च और स्कॉटलैंड चर्च, ये तीन चर्चेस इंडियन चर्च एक्ट या क्रिश्चियन लॉ में आते हैं, ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये तीन ही चर्च जो है वो चल सकते हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्चेस और जितने भी प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं, दे शुड कम अंडर द अम्ब्रेलाशिप ऑफ एंग्लिकन चर्च, दे शुड नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कैनन एंड रूल्स एंड डिसग्रेस द क्रिश्चियन लॉ एंड द क्रिश्चियनिटी, सेइंग दैट दे आर क्रिश्चियन, दे आर नॉट allowed to disgrace any religion, whether it is Christian, whether it is Sikhism or Hindus. They are not authorized to condemn any religion or disgrace any religion. So today I, being secretary of the church, condemn those fake groups or churches or priests or pastors or prophets, whatever they say themselves, they are so called, and we do not appreciate and legalize them. So they should stop immediately their illegal work, and these are the criminal activities, and government should take action against them. And we have given already so many complaints in government of India and several police stations against these fake people, those who claim themselves as priests and bishops, and they call themselves prophets. So I request all of us and all of you to come together to fight this with the government to take action. ये जो कन्वर्शन की बात हो रही है पंजाब में, खास तौर पे अजा रीजन जो पंजाब का है, जो आप कह रहे हैं ये सारा इलीगल है, इसका क्रिश्चियनिटी के साथ कुछ जी है? ये सारा का सारा इलीगल है। चर्च कभी किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन के लिए अप्रिशिएट नहीं करता है, जो कि आप बाइबल में भी देखेंगे कि फोर्सफुली किसी को अपने साथ में बिठाना भी गलत है। अगर आपके साथ आकर के कोई बैठना चाहता है, आपको समझना चाहता है, तो वो वेलकम है, पर कोई आप जबरदस्ती किसी को डिसग्रेस करके, किसी के रिलीजन के बारे में गलत भड़का करके आप ये काम करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। कुछ सिख परिवार है जो दोबारा वापस सिख धर्म में आ गया ईसाई बनने के बाद, उन्होंने ये बोला है कि हमें लालच दिया गया था, हम दो ईसाई बने थे, अब वापस आ गए। इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी एंड अपील करूंगी कि वो इसके लिए एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट के पार्ट पर बहुत गलत हो रहा है अगर वो इसको रोक नहीं रही है, आफ्टर सो मेनी कंप्लेंट्स एंड एप्लीकेशंस आल्सो। एक चीज और बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, लेकिन अलोरमेंट्स नहीं जा रही है बच्चों की, वो भी गलत है कि इस तरह की जो फीस है वो एक एनजीओ तो कर सकती है, एक एनजीओ तो कर सकती है, क्योंकि एनजीओस इस तरह के काम करने के लिए बनी होती हैं कि वो किसी गरीब की मदद कर सके, पर किसी को हेल्प के नाते अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो गलत है। थोड़ा सा यही बताइए कि क्रिश्चियनिटी में जैसे जो पास्टर जी की बात आप कर रहे हो, ये मिरेकुलसली लोगों के डिजीजेस ठीक करने की, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्रिश्चियन डजंट बिलीव इन मिरेकल्स, करामात और चमत्कार की बात भी, चमत्कार नहीं होते हैं।
आपका विश्वास आपको बदलता है, आपका विश्वास आपको ठीक करता है। अगर आपका परम परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर में आपका विश्वास है तो वो आपको ठीक करेगा किसी भी बीमारी से, क्योंकि हम दवा भी करते हैं और दुआ भी करते हैं, तो दोनों ही चीजें आपको हेल्प करती हैं। हमारा विश्वास हमें ठीक करता है मेंटली और सोलफुली, और हमें दवाई ठीक करती है डॉक्टर की। मतलब ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि हम दवा ना करें और सिर्फ चले जाएं किसी बाबा के पास में या प्रीस्ट के पास में कि जी पादरी साहब आप हमें ठीक कर दो, तो वो नहीं होगा ऐसे जब तक कि आप उसको दवा नहीं करेंगे। हमने ऑलरेडी FIRs फाइल की हुई है थानों में, डिफरेंट थानों में FIRs गई हुई है 2016 से। PMO में हमने लिखा है, माइनॉरिटी कमीशन में हमने लिखा हुआ है इनके खिलाफ, लिस्ट ऑफ पीपल हमने दिए हुए हैं। आज भी मैंने अपने सर को दिया है वो पूरा लिस्ट ऑफ पीपल, दोज हु आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो हम चाहेंगे कि हम लोग इसके लिए एक बड़ी आवाज में और बड़े जोर से इस चीज के लिए कंडेम करें और इसके लिए एक्शन करवाएं गवर्नमेंट से मिल करके। आपको क्या लगता है कि कौन लोग इसके पीछे, जो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब कर रहे हैं? कम्युनल हार्मनी नहीं है ये, हमारी जो इंडिया की जो डेमोग्राफी है उसको खराब करने की कोशिश हो रही है। अब ये अब आई कांट नेम एंड आई कांट से दैट कि मैं किसी का नाम ले लूं, एक कंट्री का नाम ले लूं या एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लूं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी हमें सपोर्ट करे कि हम उस चीज को उजागर कर सके उनके सामने। क्योंकि ये भी आवाज आ रही है कि क्रिश्चियंस आर आल्सो इन माइनॉरिटी एंड सिक्स आर आल्सो इन माइनॉरिटी, और दोनों को लड़ाने की बात भी लोग कह रहे हैं कि शायद कोई लोग की ताकत ऐसी है कि दोनों कम्युनिटी को हो सकता है। मतलब हम इस पॉसिबिलिटी को नहीं डिनाई करते हैं, क्योंकि सिख और क्रिश्चियंस एक ही चीज को मानते हैं, वो है शब्द। एक ओंकार जो है वो शब्द है, शब्द को हम लोग मानते हैं, हम भी शब्द को मानते हैं, होली वर्ड को मानते हैं। तो जब हम होली वर्ड को आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, तो हम एक ही चीज को मान रहे हैं, तो हम उस चीज को कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं जिसको कि हम खुद मान रहे हैं, हम शब्द की कैसे डिसग्रेस कर सकते हैं। लेकिन वो अलग मैसेज दे रहे हैं चमत्कार से ठीक करने का, मेरा पहले भी सवाल परमेश्वर परमेश्वर करता है चमत्कार, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष ठीक होना जैसे वो बता रहे हैं वो कितना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप दवा नहीं करेंगे किसी चीज की आप ठीक नहीं होंगे, आप हॉस्पिटल जाइए। क्रिश्चियंस ने इतने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, उनमें मदर टेरेसा थे, मदर टेरेसा ने हॉस्पिटल्स बनाए, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्रिश्चियन बनो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हेल्प की है लोगों की। वही बात बोल रहे हैं, ये चीज मैम सिर्फ एंग्लिकन चर्च ही जो है उसको डिनाई करती है या फिर प्रोटेस्टेंट्स जो है? ऑल प्रोटेस्टेंट्स शुड कम अंडर द अम्ब्रेला शिप ऑफ एंग्लिकन चर्च, बिकॉज दैट इज द ओनली लीगल चर्च इन दिस इंडिया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली एक्सेप्ट एंड लीगलाइज एंग्लिकन चर्च। आई हैव गिवन द इंडियन चर्च एक्ट एज वेल एज द क्रिश्चियन लॉ, इट इज रिटन वेरी क्लियरली इन दैट दैट इंडियन चर्चेस आर प्रोटेस्टेंट चर्चेस आर एंग्लिकन चर्चेस विच आर टू चर्चेस, वन इज रोमन कैथलिक चर्च, रोमन कैथलिक चर्च इज ऑल्सो लीगल एंड दे आर फ्री टू प्रे हियर एंड प्रीच द हियर प्रोफेट द हियर in India and same as Anglican Church, but not to condemn any religion. They should stick to their religion. They are not authorized to disgrace any other religion. क्या लेडी प्रचार कर सकती है जैसे इंडिया में हो रहा है? देखिए, लेडी प्रचार कर सकती है ऐसा कहीं मनाही भी नहीं है, पर यह हर एक इंडिविजुअल के ऊपर है कि आप प्रचार करें या नहीं करें। पर प्रचार किस लिए करना है आपको? किसी की बुराई करनी है तो वो प्रचार नहीं होता है। किसी भी रिलीजन की बुराई करना इज नॉट प्रचार। प्रचार जहां आएगा तो किसी की आपको मानवता की भलाई के लिए होगा या किसी की किसी भगवान की या किसी परमेश्वर की आराधना के लिए प्रचार होता है। हम किसी अपनी अपने ईश्वर की कोई भी भगवान को हम मान रहे हैं उसकी उसके बारे में हम बताएं, पर हम किसी भगवान को बुरा कहें ये हमें हक हमारी गवर्नमेंट भी नहीं देती, हमारी बाइबल भी नहीं देती। व्यक्ति अपने साथ नाम के साथ पैगंबर शब्द यूज कर सकता है? नहीं, पैगंबर शब्द नहीं यूज किया जा सकता, इसके लिए कानून बना हुआ है इंडियन चर्च एक्ट जो है
दुर्भाग्यवश ऐसा हो रहा है, लेकिन जो स्क्रिप्टेड ये सब स्क्रिप्टेड है, कोई ना कोई इसके पीछे बड़ा हाथ है जो हमारे इस कम्युनिटीज को कम्युनल बना करके फूट डलवा रहा है या इसको खराब करना चाह रहा है। यहाँ पर जो पीस और हार्मनी हमारे बीच में है पंजाब में, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसे ठीक हम आतंकवादी बिल्कुल ठीक कर देते हैं, हमें पास में ठीक ऐसा कुछ है ये सब चीजें। देखिए बहुत बड़ा फेथ का इशू है, अगर आप इस चीज को फेथ करके आप समझिएगा कि मैं अगर यहाँ बैठी हूँ और मैं चाहूँ कि मैं यहाँ ठीक हो सकती हूँ, आप मेरे ऊपर हाथ रख दें और मैं ठीक हो जाऊँ, तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगी, ये मेरा विश्वास है। समझ रहे, मैं आपसे बोल सकती हूँ कि आप मेरे ऊपर हाथ रख दें तो हो सकता है मेरा विश्वास मुझे, पर ये कोई किसी और का चमत्कार नहीं है, ये मेरा विश्वास है। और चमत्कार तो सारा कुछ कर दिया, बट के आने वाले दिनों में कोई और कार्डिनल्स या सीनियर जो हायरार्की में है बिशप तक जो ऐसी बात आगे आकर ये कह सकते हैं कंडेम करें इन चीजों को, क्योंकि बड़ा हमारे बिशप इस चीज को कंडेम करेंगे। बिशप हमारे बिशप साहब हैं मेट्रोपॉलिटन कमिश्नरी बिशप जॉन आशीष, और मेट्रोपॉलिटन जो हमारे एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया के हैं उनको रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, और आपको बताएंगे कि हमारे इस एंग्लिकन चर्च में इन चीजों को रिलीजियसली बड़ा इसका एक बहुत बड़ा इश्यू, मतलब एक बहुत बड़ा विषय है, चमत्कार करना या चमत्कार होना एक बड़ा इश्यू है कि हम किस चीज को कैसे लेते हैं या एक इंडिविजुअल के हाथ में। सबसे पहले तो यही बताइए कि जो कन्वर्जन हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है, पंजाब में खास तौर पर कन्वर्जन एक्चुअली चर्च नहीं करता, ये जितने भी कन्वर्जन हो रहे हैं ये पर्सनल लोग हैं जो अपनी पर्सनल सोसाइटी बनाकर ये काम कर रहे हैं, जो नाम क्रिश्चियनिटी का लेते हैं लेकिन उसका कोई लेन देन क्रिश्चियनिटी से नहीं है। लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी के नाम पर हो रहा है तो ये तो आप यू पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इट एंड लीगल एक्शन, हम लोगों ने तो सारे एक्शन ले रखे हैं, लेकिन अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पंजाब में ऐसी कोई मुहिम देख ले रही है। इसी चीज के बारे में थोड़ा क्लैरिफाई करिए कि आपका क्या एक्शन अब तक रहा है, आज तो ठीक है कि बड़ा प्रोमिनेंट एक्चुअली क्या होता है कि डायरेक्टली हम किसी के लिए कुछ बोल नहीं सकते, हम लोग सीधे सीधे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये बंदा गलत कर रहा है ना। अब ये होता है कि आपकी एक सोसाइटी है, आप उसमें क्या काम कर रहे हो, अगर गलत काम कर रहे हो तो वो गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है कि उस सोसाइटी को आप रोकें, उसके जवाब लें, उसको बंद करें। उन चीजों के लिए हमारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी चल रही है। बिल्कुल हो रही है, बहुत गलत हो रहा है वो जो फंडिंग हो रही है वो बहुत गलत है, वो होनी नहीं चाहिए इस तरह की फंडिंग को गवर्नमेंट ने, हमने उसको लिख करके गवर्नमेंट से बोला भी है कि इस फंडिंग को रुकवाया जाए, क्योंकि ये सब बहुत इलीगल फंडिंग हो रही है और इसके जरिए बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई बार ज्ञापन देने के बाद बीइंग आई मधुलिका जॉयस सेवरल टाइम्स होम मिनिस्ट्री एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में मैंने अपनी कंप्लेंट्स लिखी है, आई कैन गिव द कॉपीज ऑफ दोज एप्लीकेशंस एंड कंप्लेंट्स दैट दीज दीज पीपल जस्ट गैदरिंग द मास नथिंग एल्स, और उस मास को इकट्ठा करके वो क्या कराना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट या हमारे देश के खिलाफ, इसके लिए गवर्नमेंट को जागना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट इस समय सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह बैठी है, जबकि इतनी कंप्लेंट्स होने के बाद भी अब आप लोग भी इस चीज को बोलने लगे हैं, जबकि क्रिश्चियंस और सिख्स कभी अलगाव के उसमें आए ही नहीं, कभी
धर्म ग्रंथों को एक दूसरे की कभी कंडन नहीं किया गया, पर ये हो रहा है। इसका मतलब रहता है, जबकि ऐसा आज पहली बार देखा जा रहा है, ये समय आया है पिछले एक दो सालों में कि धर्म ग्रंथों को गलत कहा जा रहा है एक दूसरे के, और ये नफरत पैदा की जा रही है किसी के द्वारा। गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एक्शन ले। जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियन के हॉस्पिटल हैं और कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, मिशन हॉस्पिटल, लेकिन ये जो गांव में जाकर कर रहे हैं उसका ना तो कोई एजुकेशन से संबंध है जो ब्राह्मण कर रहे हैं, और हाथ में जाकर कैंसर ठीक कर रहे हैं, और इसको ये बोल रहे हैं क्रू से। मैं बता देती हूँ, उसके लिए हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत बहुत ऐसे लोग आएंगे, बहुरूपी होंगे, जो कि कहेंगे कि मैं प्रॉफिट हूँ या मैं सेंट हूँ, और उस समय हम क्रिश्चियंस को इस चीज को बहुत जोर से आवाज उठानी पड़ेगी। लिखा है बाइबल में, मैं आपको बाइबल दिखाऊंगी, बाइबल में पढ़ाऊंगी कि कहाँ लिखा है कि मेरे नाम से लोग आकर के कहेंगे कि चमत्कार हम कर रहे हैं, हम ही यीशु मसीह हैं, हम ही क्राइस्ट हैं। आप उस समय भटकिएगा नहीं, ये लिखा है बाइबल के अंदर कि आपको उस चीज का कंडम करना होगा कि जो चमत्कार दिखाते हैं, जादूगरी दिखाते हैं, वो चीज कहीं पर भी पाक नहीं है, पवित्र नहीं है। जहां जादू आ गया तो वो जादू आ गया, जादू इज सैटनिक फ्रॉम आवर पार्ट, इज नॉट एट ऑल अप्रूव्ड, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी जादूगरी। वायलेंट नहीं होना चाहिए, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सबों से कि हमें इस समय बड़े प्यार से इस चीज को समझना, अगर ये प्रॉब्लम हमारे इस देश में आई है उसको सॉल्व करें हम लोग सब लोग मिलकर। संविधान के बीच जो कुछ अगर वापस है किसानों के मामले से जरा पखंड का पंडाल फैलाया जा रहे हैं, असली जानकारी मेरे वास्ते बहुत चिंता का विषय इस क्रूसेड शब्द में वर्तना, और भारत सरकार ने भी इस शब्द के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से कि भारत सरकार शायद चिंतित नहीं है उन्होंने वक्त क्रूसेड शब्द में। अज एंग्लिकन चर्च के बिशप जो इतने आए हैं असं उन्होंने जो जानकारियां दिखाई ने विद फैक्ट तक जानकारियां नहीं दिखाई हैं, जानकारी जो सो कॉल्ड पास्टर है तिना भाषा
और जिन्हें जानकारियां असं इन्होंने दिखाई ने यह साढ़े वीर विद प्रूफ ने सबूत ने बच्चों ने ग्रह प्रसाद की देख लैन को रोकया जा रहा है। इतों तक लंगर के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। सब तो वह गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी आप स्रोतों प्रति जो बाणी के प्रति शंके पैदा किए जा रहे हैं। डुबके कोठिया जो सिख परिवारों के घर है उन्होंने शतानी कोठियों के लोग कह रहे हैं जो सो काल पास हो गए सरना पिंड तरन तारण उसे व्यक्ति वालों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के गुरु नानक साहब पातशाह बारे भर्ती शब्दावली वर्ती बाद माफी मिली पास करे सोमवार पास करे और माफीनामा जो साढ़े को इसे तरह मजीठे को एक पिंड है उसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पावन सूट ने और छप्पड़ सुटे ने जो भी जांच हुई तो पिछले सो काल निकली पास्टर वालों जो भवन के गुरुवाह के लगे लोग शामिल निकले। इसे तरह रामगवाली के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने पावन स्वरूप अगर भेजे सात बंदों ने सत साल की सजा सात बंदों ने भी सत साल की सजा जो दोषी से उन्होंने सत साल की सजा हुई और वो भी जो नकली मास्टर वालों गुमराह किए हुए। इसे तरह होर बहुत सारे घटनावान पंजाब के बापी है जिन्होंने पिछले सो काल मास्टर वालों जो गुमराह किए लोग है वो जो भी पाए गए हैं विद फैक्ट साढ़े वीर को गए सारे मौजूद हैं। इसे तरह एक मखर नाम का मास्टर है एक बीबी नैटे की वीडियो पी है जी कह रही है कि नंगियां होकर प्रार्थनावान करने की जी सामने को गल करता और इसे तरह जो हस्पताल है खास तौर पर श्री अमृतसर साहब के मैटरनिटी हस्पताल है सरकारी उन्होंने बने चाहते हैं और जो प्रेगनेंट औरतें होंगे उन्होंने कहा जाता है कि तुम इतों दवा दारू जी है ना लो तुम खंभ जी चर्च बनी उ जाओ तुम ठीक हो गए गुमराह फैलाए जा रहे हैं। बहुत सारिया जो घटनावान जो पंजाब के वर्तियां जिन्हों के पिछले सो काल पास्टर जो है वह मौजूद से और ये सारे सबूत है असी इन्होंने सामने जो सारिया गल् रखी हैं। मैं खुशी है इस गल की कि इन्होंने सो काल पास्टर के नाल सा कोई संबंध नहीं है। यह गल जी है जोर शार के नाल मीटिंग के भी कही है और मीडिया के भी कही है। पिछले एक बयान दिता से जिद लिखा कि इन्होंने बाहर तो फंडे हो गए उ बहुत सारे लोगों ने जो किया कि कितने सबूत है हम एंग्रीन चर्च के जो सैक्रेटरी मैडम इन्होंने खुद इस गल को कबूल किया कि साढ़े को फैक्ट ने साढ़े को तथ्य ने कि उन्होंने बाहरों फंडे हो रही है और जोड़ा मैं बयान दिता से मैंने इन्होंने जोड़ा है बिल्कुल दुरुस्त सही जोड़ा है वो कहा कि हो रही है फंडिंग सबूत जोड़े वो केंद्र साढ़े को है। बॉर्डर स्टेट के बॉर्डर एरिए गतिविधियां चल रही है कि नफरत भाईचारे पैदा करने का जोड़ा यत्न हो रहा ईसाइय के नाम के उत्ते ये बहुत गलत हो रहा है क्योंकि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिथे अज तक कदम भाईचारे टकराव नहीं हुई कदे एक भाईचारे ने दूसरे भाईचारे के प्रति खास तौर के उत्ते धार्मिक ग्रंथों के प्रति नफरत का प्रचार नहीं किया लेकिन ये लोग ये सब कुछ जोड़ा वो कर रहे हैं। असी बहुत जल्द बाकी जी चर्चिज ने उन्होंने नाल भी जोड़ा साडा संपर्क है उन्होंने नाल भी असी बैठांगे जिस तरह की कलैरीफिकेशन इंग्लैंड चर्च ने दी है उस तरह की कलैरीफिकेशन असी जी उन्होंने को भी लवेंगे और खास तौर पर वेटिकन को जोड़ा है असी चिट्ठी पत्र राही जरूर चाहेंगे उन्होंने कि सानू दस्या जाए कि ये जी सो कॉल्ड पास्टर पंजाब की धरती के उत्ते कर रहे हैं कि यहाँ ईसाइयत नाल संबंध है या नहीं है जिवें मैडम ने कहा कि नहीं है जो नहीं है तो सरकार को फिर इन्होंने उत्ते कार्रवाई जी करनी चाहिए है। तो मैं अज भी इस एकत्रता के उत्ते इन्होंने वेलकम कहना और साढ़े जो वीर आए हैं जिन्होंने बहुत सारे मसले विद फैक्ट इन्होंने को उठाए हैं कि पंजाब की हो रहा है किवें गुरु साहिबान के प्रति नफरत ये सो काल पास्टर फैला रहे हैं किवें गुरु ग्रंथ साहब बारे माड़ा जरा बोल रहे हैं ये सारे सबूत दिखाए भी नहीं इन्होंने दे भी दिए हैं कि आ देख लो की कर रहे हैं ये सो काल पास्टर। बहुत अच्छा आने वाले समय के रिजल्ट निकलेगा और मैं भारत सरकार ने जरूर कहना चाहूँगा कि वो जागरण का जोड़ा है बॉर्डर स्टेट के उत्ते कुछ हो रहा है नफरत ही प्रचार हो रहा है बॉर्डर स्टेट के सारा कुछ हो रहा है इन्हें रोकने का यत्न करे नहीं तो यदि नतीजे जो है वो भारत सरकार ने भी चंगे नहीं निकल रहे हैं। दूसरी गल देखो
ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਦਸਤਾਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਇਦਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੀ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣੇ, ਪਖੰਡ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਾੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਖੰਡ ਜਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪਖੰਡ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਯੂਥ ਜਿੰਨੀ ਫੀਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 95% ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗਲਤ ਫੀਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਰਿਚੁਅਲਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ CM ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਧੜਾ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 5 ਸਿੱਖ ਔਰ 5 ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੰਬੀ ਚਰਚਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਡੰਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।